पीड़िता के परिवार से मिलने जा रहे टीएमसी नेताओं से पुलिस ने की धक्का मुक्की, ड्रेक ओब्रियन नीचे गिरे। राहुल गांधी के खिलाफ पुलिस कार्रवाई से नाराज पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायण स्वामी भूख हड़ताल पर बैठे। हाथरस घटना के विरोध में गांधी प्रतिमा पर मौन व्रत करने जा रहे सपा कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका। यूपी गांधी मूर्ति पर बैठने को लेकर भिड़े सपा कांग्रेसी, कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने की खुद को आग लगाने की कोशिश। यूपी आजम खां के करीबी शाहजेब गिरफ्तार, एसपी ने की गिरफ्तारी की पुष्टि। बेटियां के गांव जाने वाले रास्ते पर सख्त पहरा, परिवार नजरबंद लोगों को पुलिस ने कई बार खदेड़ा। हाथरस आरोपियों के पक्ष में 12 गांवों के लोगों की पंचायत सीबीआई जांच और नार्को टेस्ट की मांग की। मुरादाबाद में एक नाम पर बनवा दिए 2-2 शौचालय, घोटाले की जाँच शुरू। बिहार इलेक्शन 2020, पिछले विधानसभा चुनाव में नोटा ने बिगाड़ दिया था कई उम्मीदवारों का समीकरण। ढांचा ध्वंस मामले में पाक के बयान पर विदेश मंत्रालय का करारा पलटवार, कहा भारत में है परिपक्व लोकतंत्र। सोनिया गांधी ने केंद्र पर साधा निशाना, कहा कुछ लोग भ्रम और भय का माहौल पैदा कर चला रहे हैं सरकार। भारतीय सेना ने LOC पर पाक की गोलीबारी में शहीद हुए सैनिकों को दी श्रद्धांजलि। पार्थ से जुड़े सवालों का अजीत पवार ने दिया जवाब, कहा मराठा कोटे पर NCP का रुख स्पष्ट है। हाथरस कांड पर गुस्साए वाल्मीकि समाज ने किया जुलूस, दिया धरना। हाथरस तो DM SP ने करवाई फजीहत, योगी सरकार दोनों पर कर सकती है बड़ी कार्रवाई। चीन से तनाव के बीच अमेरिका ने निभाई दोस्ती, भारत के गजराज को देगा जीवन दान। डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया को हुआ कोरोना, पीएम मोदी ने जल्द स्वस्थ होने की कामना की। गांधी जयंती पर ममता बनर्जी ने पूछा, क्या आज़ादी और लोकतंत्र को आसानी से छोड़ देंगे भारतीय। भारत में कोरोना संक्रमितों की तादाद 64 लाख के पार, 53 लाख से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। दलितों के खिलाफ बढ़ रहे अपराध, हितों की रक्षा करने वाले पद खाली। बापू की आज 151वीं जयंती, राजघाट जाकर पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि। पाकिस्तानी मीडिया पर निगरानी करने वाले संस्थानों ने घोषित अपराधियों के भाषण पर लगाई रोक। C-130 से सुपर हरक्यूलिस फ्लीट से लिए पेंटागन ने भारत को दी $9 करोड़ की बिक्री की मंजूरी। माताओं और बहनों को सम्मान को क्षति पहुंचाने वालों का समूल नाश सुनिश्चित, कहा योगी जी ने। भारतीय रेलवे ने बदला ट्रेनिंग मॉड्यूल, जानिए क्या है नया शेड्यूल।